फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि SEO का पूरा नाम क्या है। आप में से कई व्यूअर्स ने सही आंसर दिया, पर कोई एक लकी विनर है। तो हमारे आज के विनर हैं मिस्टर सोनू फ्रॉम भिलाई। इन्होंने जीता है 5 रुपीज का पेटीएम कैश। हमारा एक और क्वेश्चन था, व्हाट्सएप के फाउंडर का नाम क्या है। इस क्वेश्चन के भी कई सारे व्यूअर्स ने सही जवाब दिया और इस सवाल के लकी विनर के नाम है मिस अंशु, और इन्हें मिलता है ₹150 का कूल विंग्स का गिफ्ट वाउचर। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह आप भी जीत सकते हैं पेटीएम कैश या गिफ्ट वाउचर्स। हमारा आज का प्रश्न इस वीडियो के आखिर में पूछा जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण हम में से कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हों, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज हों या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अधिकारी हों। पर काम करने के लिए एक माध्यम की जरूरत है। अब बिना किसी से मिले काम भी करना है तो कम से कम डिस्कशन, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, इन सब के लिए एक मीडियम तो चाहिए। हम आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही मीडियम की, जो कि है सिस्को वेबएक्स। इसे यूज करके आप अपनी मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, स्केड्यूल कर सकते हैं और अदर मीटिंग्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये 2 वेरिएशंस में यूज किया जा सकता है। अगर आपको मंथ में सिर्फ 1 या 2 मीटिंग लेनी है तो आप इसका वेब वर्जन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप डेली मीटिंग्स या डेली वर्चुअल क्लास लेते हैं, तब आपको इसका दूसरा वेरिएशन यानी कि इसका ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। आज के वीडियो में हम सिस्को वेबएक्स मोबाइल ऐप यूज करना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि वेबएक्स लिंक को cgschool.in वेबसाइट पर कैसे पोस्ट करें, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को करना जरूरी है। चलिए अब प्रैक्टिकली देखते हैं इसे कैसे यूज करें। यूज करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है सिस्को, और आपको इस ऐप को सेलेक्ट करना है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझे ऑप्शन शो कर रहा है ओपन। ओपन होने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको क्लिक करना है साइन अप पर, ना कि साइन इन पे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपका ये वेब पेज ओपन होगा और आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको क्लिक करना होगा साइन अप। अब आपको इसका सेकंड फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसमें आपको ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ अपना नेम ऐड करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, चेक योर इनबॉक्स टू गेट स्टार्टेड। इस ऐप के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाएगा आपके मेल आईडी पर, और आपको उस मेल को ओपन करके अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। चलिए देख लेते हैं हमारा लिंक। जीमेल में जाएंगे और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिस्को वेबएक्स का एक मेल आया हुआ है, इसे ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक वेलकम मैसेज और साथ ही गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड में आप देख सकते हैं मेरा यूजर नेम, मेरी वेबएक्स की साइट जो वेबएक्स ने जनरेट की है। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड में जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं पासवर्ड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 लेटर्स होने चाहिए जो कि स्मॉल केस अपर केस का एक कॉम्बिनेशन होगा, साथ साथ इसमें नंबर भी होना चाहिए। आपके पासवर्ड में क्या नहीं होना चाहिए, आपका नेम, आपका यूजर नेम, आपकी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। आपके लास्ट 3 पासवर्ड्स, अगर आपने पहले ही कोई पासवर्ड बनाया था तो वो नहीं होने चाहिए। Easy to guess words, ऐसे words password नहीं होने चाहिए जो कि easily guess किए जा सके, या फिर any character repeated 3 or more times, या फिर कोई ऐसा character जो कि 3 या 3 से ज़्यादा बार repeat हो रहा हो। अभी हम यहाँ पर एक simple सा password create कर लेते हैं। Same password आप 2 बार लिखेंगे और इसे continue करेंगे। Next, यहाँ पर जो page open होगा इसमें आपसे पूछेगा launch installed app, इसे हम okay कर देते हैं, allow। अब आपका ये ऐप ओपन होगा और ऐप में अब आपको क्लिक करना है साइन इन। साइन अप का प्रोसेस ध्यान रहे सिर्फ एक बार ही करना है आपको, और एक बार जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाए तब आपको हर बार जब आप अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करें या अपनी क्लासेस लें तब आपको केवल साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको इस प्रकार से एक बॉक्स दिखेगा, एंटर योर ईमेल। हम वही ईमेल यूज करेंगे जिससे कि हमने हमारा अकाउंट क्रिएट किया था। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द साइट, आपको सिंपली साइट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपसे पासवर्ड पूछेगा जो हमने अभी क्रिएट किया था, और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपके मीटिंग आईडी, आपका नाम सब शो करेगा। ये रहेगा आपका होम स्क्रीन,
होम स्क्रीन में सबसे नीचे आप देखेंगे तीन डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ तीन अलग अलग आपको काम करने के लिए तीन अलग अलग इंटरफेसेस दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है आपका माय मीटिंग्स। आप इस एरिया में जाकर अपनी मीटिंग्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप कोई मीटिंग कल लेना चाहते हैं, परसों लेना चाहते हैं या एक हफ्ते बाद लेना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग आप आज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको ऊपर इस प्लस बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहला है आपकी मीटिंग किस टॉपिक पर है। सपोज मैं यहाँ पर एक क्लास लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा आईटी क्लास। शो पासवर्ड करते हैं। इस मीटिंग का बाय डिफॉल्ट एक पासवर्ड सेट है, हम इसे चेंज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को लॉगिन करने में आसानी हो। ध्यान रहे ये पासवर्ड अलग है, जो पासवर्ड आपने पहले क्रिएट किया था वो आपका लॉगिन पासवर्ड है, लेकिन ये जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं ये आपका मीटिंग पासवर्ड रहेगा। इसे आप कोशिश करें सिंपल रखें। मैं सिंपल रख रहा हूँ इसे अभी 1 2 3 4 5। थर्ड है यहाँ पर एंटर इनवाइटी ईमेल्स। आप किस किस को ईमेल के द्वारा इनवाइट करना चाहते हैं, आप उन सबका ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिंक शेयर कर सकते हैं, या आप जिससे भी मीटिंग करना चाहते हैं आप उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछेगा आपसे आपकी मीटिंग कब है, तो हम यहाँ से डेट सेट कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पर 18th जून की एक मीटिंग सेट करना चाहता हूँ। यहाँ आपसे पूछेगा मीटिंग का टाइम। मीटिंग का टाइम मैं चाहता हूँ 1 PM। मीटिंग कितनी देर की रहेगी, ड्यूरेशन है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आवर, हम इसे कर देते हैं 0 hour and 40 minutes। यहाँ आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम सिस्को वेबएक्स का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 50 मिनट्स का ही सेशन क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही मैक्सिमम 100 यूजर्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर आपके रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है तो पेड वर्जन खरीद सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है शेड्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एक क्लास शेड्यूल हो चुकी है 18 तारीख को आईटी क्लास 9 दोपहर 1 बजे से 1:40 तक आपकी क्लास चलेगी। अब क्लिक करेंगे हम हमारे मीटिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन है, मीटिंग कब होगी, मीटिंग का नंबर क्या है, मीटिंग का पासवर्ड क्या है, मीटिंग का एड्रेस क्या है और साथ साथ होस्ट की। अब मैं चाहता हूँ ये मीटिंग किसी को शेयर करना, तो हम क्लिक करेंगे शेयर बटन पर और आप इनमें से किसी भी ऑप्शन या फिर किसी भी माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को ये लिंक शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन, स्टार्ट मीटिंग और ज्वाइन मीटिंग। अगर आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, अगर आपके पास कोई लिंक अवेलेबल है, तो आप सिंपली क्लिक करेंगे ज्वाइन मीटिंग। यहाँ पर आपको मीटिंग का URL या फिर आपके पास जो लिंक आया हुआ है वो ऐड करना है और इसे ज्वाइन करना है। अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है तो हम इसे बैक कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट मीटिंग। अगर आप चाहते हैं तुरंत एक मीटिंग स्टार्ट करना, तो आप क्लिक करेंगे स्टार्ट मीटिंग बटन पर। स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करते ही देखेंगे आप ये कनेक्ट हो रहा है। यू आर नाउ द प्रेजेंटर। नेक्स्ट कनेक्टिंग टू ऑडियो, या आपका ऑडियो चेक करेगा। इसे हम अनम्यूट कर लेते हैं या इसे हम म्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट बटन है हमारा वीडियो का। अगर आप चाहते हैं वीडियो ऑन हो जाए, तो आपको सबसे पहले आपका प्रीव्यू शो करेगा। मैं यहाँ पर अभी इसे ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। अब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट माई वीडियो बटन पर और उस पर डबल क्लिक करेंगे। अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसमें और ऑप्शंस। आपको इन तीन डॉट्स पर क्लिक करना है। तीन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस विजिबल हैं। अगर आप किसी के साथ कुछ कंटेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं शेयर कंटेंट। शेयर कंटेंट करने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन शेयर करनी है। अगर आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कुछ टाइप करना या कुछ लिखना, तो आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड का। साथ साथ इसमें ऑप्शन है गूगल ड्राइव का। अगर आपके पास आपके ड्राइव में कुछ डेटा रखा हुआ है और आप वो शेयर करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं गूगल ड्राइव का। अभी हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में जाने के बाद TT पर क्लिक करेंगे, कलर सेट करेंगे और अब हम यहाँ पर जो भी बताना चाहते हैं हम वो टाइप करके बता सकते हैं। बाद हम इसे डन कर देंगे। इस प्रकार से आप मीटिंग होस्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपके पास ऑप्शन है इसमें चैट विद एवरीवन। अगर आपके पास कई सारे स्टूडेंट्स हैं तो और आप उनके साथ चैट करना चाहते हैं, तो आप क्लिक कर सकते हैं चैट विद एवरीवन। अब हम मीटिंग को एंड करते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मीटिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं और आप जिनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं आप उन्हें जोड़ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है रिकॉर्डिंग्स और पास्ट रिकॉर्डिंग्स। अगर आपके पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं या अगर आपने अपने किसी वीडियो को रिकॉर्ड किया है,
तो आप उसे यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये स्पेशली है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए, जिन्हें कि इस लिंक को डायरेक्टली स्टूडेंट्स को शेयर नहीं करना है, उन्हें ये लिंक tgschool.in वेबसाइट पर शेयर करना है। तो वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। अब हमारी जो मीटिंग शेड्यूल है, हम सबसे पहले उस मीटिंग को ओपन करेंगे, शेयर ऑप्शन पर जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होने के बाद आपको अपने ब्राउजर में tgschool.in वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करना होगा, अगर आप टीचर हैं आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा विजिटर नंबर और आपका जो पोर्टल है। पोर्टल में जाने के बाद आपको जाना है मेन्यू, शिक्षक के कार्य, ऑनलाइन क्लास, कक्षा 9th, विषय फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट कर रहा हूँ, पाठ आप कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं, आप क्लास कब लेंगे मैंने सेट किया था 18 जून, समय मैंने सेट किया था 1 बजे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास लिंक, इसमें आपको टैप करके रखना है और इसे पेस्ट करना है। आपने जो लिंक वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और आपको क्लिक करना है ऑनलाइन क्लास बनाए। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ऑनलाइन क्लास बन जाएगी। मैं अभी यहाँ पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक डेमो क्लास बनाई है। और अब हमारा आज का सवाल है सिस्को वेबएक्स के सीईओ का नाम क्या है। जवाब देने के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना जरूरी है और सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। कुछ ही दिन में विनर का नाम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।